हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वाध्याय 14.1 माध्य दोस्तों ज्ञात करने वाला बहुत आईएमपी रीति का सवाल हम सीख रहे हैं। इस रीति में थोड़ा भी दोस्तों आगे पीछे ना करें। ये जो आज सवाल सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा आईएमपी है, प्लीज़ पे अटेंशन ऑन इट। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, ध्यान देना और सीखना जरा सा। यहाँ दोस्तों ये सवाल पूरे स्वाध्याय 14.1 का सबसे मोस्ट आईएमपी सवाल है, ज़्यादातर स्कूलों में इसे पूछा गया लास्ट ईयर। देखें जरा क्या नया है। यहाँ पर दोस्तों माध्य हमको दे दिया है 18। ये बार हर बार हमको लिखा होता था माध्य ज्ञात करें, ये बार लिखा है माध्य बराबर 18, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करें। बारंबारता यानी आवृत्ति को ही बारंबारता कहते हैं। लुप्त यानी खोई हुई आवृत्ति, आप देख सकते हैं एफ है वो नहीं मालूम है, वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से सीखिए दोस्तों। पहले माध्य दिया है तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र 12x बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन एन गुण एच, जो हमारे नियम थे वो तो नियम फॉलो होंगे ही होंगे। दो सी है, उसके बाद में अगला ब्रैकेट आता है मध्य की मात, उसके बाद अगला ब्रैकेट आता है यू आई, उसके बाद अगला ब्रैकेट आता है दोस्तों एफ आई यू आई। सीख ले रहे हैं कैसे बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आवृत्तियों का जोड़ कर लेते हैं, आवृत्तियों के जोड़ को एन कहते हैं। इसमें ये एफ है, उसको कैसे जोड़ना है वो समझिए जरा। 7 और 6 13 13 9 22 3 25 5 30 4 34 की 4 80 लगी 3 44, तो ये आ गया। और प्लस का एफ अलग से, कई बच्चे बोलते हैं 44 एफ नहीं होगा दोस्तों, सबको प्लस किया इसलिए 44 और प्लस एफ अलग से। अब दोस्तों मध्य कीमत निकाली, 11 और 13 को जोड़ा 14, 14 का आधा आया 12, 13 15 28, 28 का आधा 14। हर किसी की मध्य कीमत नहीं निकालनी, खाली जो देख लें दो दो का अंतर दिख रहा है, दो दो जोड़ा 12 14 हो गया, 16 18 20 22 और 24 दोस्तों। उसके बाद हम यू आई निकालने के लिए ए निकालते हैं। सामान्यतः हम ए कैसे निकालते हैं, बड़ी आवृत्ति के बाजू वाले को ए बोलते हैं। ऐसा नहीं करेंगे इसमें, जब ये लुप्त बारंबारता खोई हुई आवृत्ति वाला सवाल आएगा तब हमेशा एफ के बाजू में जो है उसको ही ए मानना है। अगर आपने किसी और को ए मान लिया तो इसमें गलत हो जाएगा। एफ जो है उसके सामने जो संख्या उसे ए माना, उसके सामने लिखा 0 -1 -2 -3 -4, नीचे आया प्लस एक और प्लस का 2, गुणा किया दोस्तों एफ आई यू आई का गुणा, 7 14 6 28 6 3 18 - 9 2 18 - 13 1 - 0 5 1 5 4 2 8, प्लस में जोड़ा दोस्तों 13 आया, माइनस में जोड़ा 8 8 16 24 27 के 7 ऐसे लगी 2, 4 5 6 7 77, 13 में से 77 तो जाएगा नहीं, 77 में से 13 घटाया दोस्तों मेरे पास बचा 64, लेकिन 64 दोस्तों माइनस का आएगा। क्यों माइनस का, तो बड़ी संख्या 77 है माइनस में, इसलिए माइनस का आएगा। यहाँ से दोस्तों अब सवाल थोड़ा टफ हो रहा है, बहुत ध्यान देना है। माध्य यानी एक्स बार, मुझे माध्य ज्ञात नहीं करना है, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 18 बराबर, ए की वैल्यू देखिए दोस्तों मैंने 20 है प्लस का प्लस, सिग्मा एफ आई यू आई आया मेरा माइनस का 64 बट्टे, एन का मूल्य आपने निकाला 44 प्लस एफ गुणे कितने की हाइट थी यहाँ पर 2 की। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एफ ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है तो एफ को अकेला करना है, कोई बच्चा इससे इसको नहीं काटेगा ना इससे इसको, कारण क्या है 44 प्लस एफ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको खाली करने के लिए 20 को वहाँ ले जाते हैं माइनस में, यानी 18 माइनस 20 बराबर प्लस और माइनस हो गया दोस्तों माइनस, 64 का और 2 का गुणा किया 64 × 128 बट्टे 44 प्लस एफ बचा। ध्यान देने जैसा पॉइंट है, प्लस का 20 वहाँ ले गया माइनस में गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 64 × 128 / 44 प्लस एफ, 18 में से 20 तो जाएगा नहीं, 20 में से 18 गया 2 बचा, लेकिन माइनस का 2 बराबर -128 / 44 प्लस एफ, माइनस से माइनस गया। अब दोस्तों एकांतर अनुपात लगाते हैं, ये एकांतर अनुपात क्या है उसके लिए आपको यहाँ थोड़ी रफ में समझ देता हूँ। अगर कोई बोलता है 5 = 3/x,
और x आपको ज्ञात करना है तो क्या करने का, एकांतरानुपात लगाने का। एकांतरानुपात यानी x की जगह 5 और 5 की जगह x, मतलब आप चाहें तो x की जगह 5 की जगह x लिखा और x की जगह क्या लिख दिया 5, इसका नाम एकांतरानुपात है। कभी भी कोई संख्या बट्टे में हो और वो ज्ञात करनी हो तो उसके लिए नियम है इसको यहाँ रख देने का, इसको यहाँ रख देना है, तो वही नियम यहाँ पर लगा रहा हूँ। 44 प्लस एफ की जगह 2 और 2 की जगह 44 प्लस एफ बदल रहा हूँ, 44 प्लस एफ बराबर 128 बट्टे में आ गया, ये दो यहाँ पर ले लिया, दो से गया कितनी बार दोस्तों 64 बार, 44 प्लस एफ बराबर 64 आ चुका है, प्लस का 44 गया माइनस में, एफ बराबर 64 माइनस 44 घटाव करने पर दोस्तों मुझे एफ बराबर कितना मिल गया 20। दोस्तों आज होमवर्क में यही का यही सवाल है, आपको इसको पहले स्टॉप कर लेना है, पॉज करके सवाल लिख लेना है और होमवर्क में यही सवाल आपको करना है दोस्तों। थैंक यू।